हाय, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। मेरा नाम है केतन वीर शर्मा और आप देख रहे हैं दी वेंचर स्टोरी मैगजीन। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं व्हाट्स हैपनिंग विथ पेटीएम। पेटीएम के आज हम कुछ एनालिसिस करने वाले हैं, कुछ पास्ट ईयर्स इसकी परफॉर्मेंस को हम देखने वाले हैं। वी विल बी ऑल्सो लुकिंग इन टू अ फ्यू ऑफ द ग्राफ्स, वी वुड बी एनालाइजिंग देयर पीआर कैंपेन्स एंड कुछ पेटीएम के बारे में न्यूज़ एंड अपडेट्स भी हम यहाँ पे देखेंगे कि आजकल क्या चल रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आप देख रहे हैं द वेंचर स्टोरी मैगजीन। जैसे कि सबसे पहले हैं हमारे पास स्टीव जॉब्स। 1955 में सैन फ्रांसिस्को में इनका जन्म हुआ था और ये एप्पल के फाउंडर हैं। एंड इनका जो सबसे आइकॉनिक प्रोडक्ट है वो है आईफोन। बिल गेट्स, इनका जो फेमस जो सबसे बड़ा वेंचर है दैट इज़ माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट का सबसे बड़ा प्रोडक्ट है विंडोज़। द थर्ड पर्सन हेयर इज़ मार्क ज़करबर्ग, ही इज़ ऑल्सो एन एंटरप्रेन्योर। वो ये एक अमेरिकन इंटरनेट एंटरप्रेन्योर है। इन्होंने फेसबुक स्टार्ट किया था, आज की डेट में इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप दोनों इनके हैं। एंड बेसिकली ये सोशल मीडिया के सबसे बड़े एक इनोवेटर के फॉर्म में आज की जनरेशन में अवेलेबल है। देन वी हैव जैक डॉर्सी, इन्होंने ट्विटर को फॉर्म किया था, आप इनके बारे में पढ़ सकते हैं। एंड कुछ इंडियन स्टार्टअप्स के फॉर्म में वी हैव ओयो रूम्स, इंडियन होटल चेन एग्रीगेटर हैं ये। 2013 में इन्होंने गुड़गांव में इन्होंने अपना एस्टैब्लिशमेंट स्टार्ट किया था। ओयो के ऊपर एक हमारे पास में एक काफ़ी अच्छी एक केस स्टडी रेडी है, जिसको अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो यू कैन ऑल्सो वॉच द वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू डाउनलोड द प्रेजेंटेशन यू कैन डाउनलोड एंड रीड द प्रेजेंटेशन। सो बेसिकली यू कैन पॉज एंड रीड अबाउट मी। कोट एंड कोट में आते हैं कि अब पेटीएम की वीडियो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पेटीएम के सेशन को स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले वॉरेन बफे का एक फंडामेंटल एक कोट है जिसके बारे में है कि गिवन दैट बफे इज़ अ फंडामेंटल इन्वेस्टर एंड मोस्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट्स लास्ट एट लीस्ट अ डेकेड, इट इज़ एन अनएम्बिगुअस सिग्नल दैट पेटीएम वुड बी रिलेवेंट ओवर सच अ लॉन्ग टाइम होराइजन। इसका कहने का ये मतलब है कि वॉरेन बफे जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो बेसिकली 10 से 15 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं। एंड अगर उन्होंने पेटीएम में कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, इसका मतलब ये है कि जो उनकी फर्म है बर्कशायर हैथवे, उसने 2.3% जो पेटीएम में अपना स्टेक बाय किया है, इसका मतलब ये है कि पेटीएम अगले 10 से 12 साल चलने वाली है। तो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे हमारे पास स्क्रीन पे पेटीएम के बारे में। पेटीएम इज़ एन इंडियन ई कॉमर्स पेमेंट सिस्टम एंड फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कंपनी बेस्ड इन नोएडा, इंडिया। तो इसके जो पेटीएम के जो फाउंडर हैं वो है मिस्टर विशाल शेखर शर्मा। इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है सैफ पार्टनर्स, और सैफ पार्टनर्स का सबसे ज़्यादा स्टेक है पेटीएम में इस टाइम पे। कमिंग फॉरवर्ड शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे है, विजय शेखर शर्मा पेटीएम के सिर्फ लगभग 15% शेयर्स ओन करते हैं, एंड फाइनेंशियल्स 29.71% ओन करता है। सॉफ्ट बैंक विजन फंड अराउंड 20% ओन करता है। सैफ पार्टनर्स ओन्स अराउंड 18.56%। फिर अलीबाबा ग्रुप एंड बर्कशायर हैथवे भी कुछ परसेंट्स माइनॉरिटी स्टेक्स ओन करते हैं पेटीएम के।
हाइलाइट्स ये हैं कि जैसे हमारे पास फॉर्ब्स की एक लिस्ट होती है, वैसे हमारे पास अलेक्सा की एक रैंकिंग होती है। इसमें हम वेबसाइट्स को नंबर्स रैंकिंग प्रोवाइड करते हैं। तो पेटीएम वर्ल्ड रैंकिंग है इसकी 594 और इंडिया रैंकिंग है इसकी 56। बेसिकली पेटीएम इंडिया की 56 लार्जेस्ट वेबसाइट है और इसको जावास्क्रिप्ट, C++ और डी लैंग्वेज में लिखा गया है। डी आई डोंट नो मच अबाउट इट। अगर आपको डी लैंग्वेज के बारे में कुछ पता है या आप उसके बारे में कुछ रिसर्च करते हैं तो प्लीज़ कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो। हम जानना चाहेंगे कि डी क्या है और व्हाट आर द यूजेस ऑफ द डी लैंग्वेज। कमिंग फॉरवर्ड, पेटीएम को 350 मिलियन प्लस यूजर्स यूज़ करते हैं। इसको 2010 में लॉन्च किया गया था। रेवेन्यू इसका लगभग हाफ अ बिलियन US डॉलर्स है, लगभग 500 मिलियन या फिर 3,500 करोड़। इसने 2019 में रेवेन्यू अर्न किया था। 197 कम्युनिकेशंस इसको ऑन करती है। हेडक्वार्टर्स इसके हैं नोएडा UP में। की पीपल हैं इसके विजय शेखर शर्मा हु इज़ द CEO एंड द प्रेजिडेंट एंड अजय शेखर शर्मा हु इज़ द वाइस प्रेजिडेंट। ये विजय शेखर शर्मा है, ही इज़ एन इंडियन बिलियनर बिजनेसमैन। He is the founder of mobile payments company Paytm. Sharma was ranked as India's youngest billionaire in 2017 by the Forbes with a net worth of over 2.1 billion US dollars. ये टाइम्स मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल 2017 की लिस्ट में भी इनका नाम आ चुका है। कमिंग फॉरवर्ड, ये कुछ अब ग्राफ्स पे आते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास लेफ्ट साइड में स्क्रीन है कि पेटीएम UPI इन्होंने अभी रिसेंटली लॉन्च किया है, तो उसके कैंपेन की यहाँ पे हमने पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की है। फर्दर डिमोनेटाइजेशन का इफेक्ट हम देखते हैं कि 2014 से 2017 में, 2017 में ये कैसे इसने 0 to 300 million कस्टमर्स की, यूजर्स की इसने ग्रोथ कैप्चर किया है। सो आप देख रहे हैं इनका ग्राफ कितना अच्छे से ये ग्रो कर रहा है इस टाइम पे। अर्ली ग्रोथ ये है पेटीएम की, 8-9 फाइनेंशियल ईयर 2008-2009 में इनका जो स्टेटस था वो काफ़ी लो था और तब से ये ग्रो ही कर रहे हैं। द बार्स इन द येलो डिस्क्राइब द रेवेन्यू एंड द बार्स इन द रेड डिस्क्राइब द प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस। ये सारी फिगर्स INR करोड़ में हैं। तो आप देख सकते हैं कि 2014-15 से इनका एक शिफ्ट आना इनका बिज़नेस में स्टार्ट हुआ, जब इन्होंने एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा बढ़ाया, इन्होंने लॉसेस पे ज़्यादा फोकस किया टू इंक्रीज़ द मार्केट कैपिटलाइजेशन। कंपटीशन की फॉर्म में जैसे 2019 का आई गेस ये डेटा है, सो आप देख सकते हैं कि पेटीएम एक प्रॉपर एक कंपटीशन दे रहा है SBI को, ICICI, एक्सिस बैंक को, और सबसे ज़्यादा इसकी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं। द लाइट ब्लू कलर इज़ द नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस, डार्क ब्लू कलर इज़ द वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस। तो इसने एक अलग नीश पकड़ा है जिसमें छोटी पेमेंट्स जो हैं लेस देन लेट अस से 200 रुपीज़ और 1,000 रुपीज़, उसकी जो पेमेंट्स हैं, उसकी जो ट्रांजैक्शंस हैं, वो बहुत हाई होती हैं पेटीएम पे, सबसे ज़्यादा। इनफैक्ट इन्होंने बैंकिंग सिस्टम्स के को फेल कर दिया इस टर्म्स में। कमिंग फॉरवर्ड, UPI मार्केट है। आप देख सकते हैं पेटीएम UPI के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा इसने मार्केट शेयर एक्वायर किया है। अराउंड इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द UPI। हमारी IIT दिल्ली की भी एक कंपनी है भारत पे के नाम से, दैट वॉज फाउंडेड इन IIT दिल्ली एंड दैट इज़ ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। उसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान है, दैट इज़ लाइक अ बिग फीट फॉर द वेंचर। Coming forward to the startup community, we have the highest funded startups in India. ये list है हमारे सामने, इसमें Paytm Mall भी है चौथे नंबर पर अगर आप देखेंगे। And you can pause this presentation and you can see कि कैसे आज की startups जो हैं हमारे, उन्होंने कैसे पैसा रेज किया है, सीड मनी इन इंडिया इन 2018, और उसके अकॉर्डिंग एक ग्राफ यहाँ पे हमारे सामने है कि टॉप बड़े 10 स्टार्टअप्स अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पॉज करके देख सकते हैं कि ये स्टार्टअप्स हैं, इनके बारे में यू हैव टू नो एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कमिंग फॉरवर्ड, वी हैव द करंट वैल्यूएशन दैट इज़ मोर देन 10 बिलियन US डॉलर्स पेटीएम की इस टाइम पे जो वैल्यूएशन, और इनका रेवेन्यू अराउंड 500 मिलियन प्लस इन्होंने 2019 में
गेन किया था। अब पीआर एनालिसिस पे आते हैं, इन्होंने काफ़ी अच्छा अपना पीआर जो है वो मेंटेन करके रखा है। दे हैव टाइड, इनको अभी एक लिंक्डइन से फीचर किया गया है लिंक्डइन की एक टॉप 20 कंपनीज टू वर्क फॉर की लिस्ट में इनका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट इन्होंने एक थर्ड ऑफिस अब बैंगलोर में खोला है जिसकी काफ़ी अच्छी टीम प्रेजेंटेशन इन्होंने पोस्ट की हैं। तो ये सारी चीज़ें एक कंपनी की एक स्ट्रेंथ को, दुनिया का जो सबसे ऊंचा पेट्रोल पंप है वहाँ पे पेटीएम अभी अवेलेबल है। फर्दर पेटीएम ब्लॉग्स जो है वो बेस्ट यूज़ ऑफ ब्लॉग्स बाय IDMA उसको मिला था। कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। पेटीएम की जो सेक्रेटरी हैं इनके साथ में CEO की कंट्रोवर्सी हुई थी, इसके बारे में न्यूज़ है बिजनेस टुडे की, दैट सेज दैट पेटीएम एक्सटॉर्शन केस हाउ विजय शेखर शर्मा द फाउंडर ऑफ इंडियाज लार्जेस्ट ई वॉलेट कंपनी वॉज एलिजिडली ब्लैकमेल्ड बाय हिज लॉन्ग टर्म पर्सनल सेक्रेटरी सोनिया धवन। सो दिस वॉज पब्लिश्ड इन बिजनेस टुडे। टेलीकॉम कंपनीज को बोलते हैं कि आप ब्लॉक नहीं कर रहे हैं हैकिंग की एक्टिविटीज़ को। स्टार्टअप्स की फॉर्म में जो सॉफ्ट बैंक जो है जो सबको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करता है वो आजकल काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में है। स्नैपडील, पेटीएम, हाउसिंग, ओला, ग्रोफोर्स, हाइक सब लॉसेस में है। कुछ लेसन्स हैं यहाँ पे जो हमें पेटीएम से लर्न करने चाहिए, CEO से उनके लर्न करने चाहिए, वो ये है कि फर्स्ट वन इज़ द नेवर गिव अप एटीट्यूड। आपको कभी कभार अपनी स्ट्रीट्स पे भी सोना पड़ सकता है अगर आपको अपना विजन अचीव करना है तो। यू हैव टू डू एवरीथिंग टू मेक इट अ सक्सेस। नेक्स्ट लेसन इज अडाप्ट टू द चेंज फाइनेंस को लेकर। द थर्ड लेसन इज स्ट्राइव फॉर एक्सलेंस। जो पेटीएम जो है दैट हैज़ बीन रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट इनोवेटिव स्टार्टअप ऑफ द ईयर, तो आपको एक्सेलेंस जो है वो अचीव करनी पड़ेगी। देयर वी हैव द फेमस कोट बाय विजय शेखर शर्मा, द बिगेस्ट चैलेंज दैट वी फेस कम्स फ्रॉम कस्टमर्स इनएबिलिटी टू इंटेंट और इंटेंट टू पे डिजिटली। पेटीएम एंड द मोबाइल पेमेंट्स हैज़ टेकन ऑफ बट स्टिल देर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। ये इनके विजय शेखर शर्मा का एक ट्वीट था जिसमें ये कहते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मतलब दिक्कतें इस चीज़ से होती हैं कि लोग जो हैं वो अभी डिजिटल होने में रेजिस्टेंस कुछ शो कर रहे हैं, बट वो धीरे धीरे ओके हो जाएगा और लोग जो हैं वो डिजिटल पेमेंट्स पे मूव ऑन कर जाएंगे। सो ये थी आज की एक वीडियो। अब आपके सामने कुछ मैं न्यूज़ प्ले कर रहा हूँ, अगर आप ये देखना चाहते हैं यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन सी द न्यूज़। अदरवाइज आप एक हमारी ये जो प्रेजेंटेशन है इसको डाउनलोड कर लीजिए एंड यू कैन वॉच द रीड द न्यूज़ एंड द अदर अपडेट्स देयर। आप देख रहे हैं द वेंचर स्टोरी मैगजीन और हमारी प्रेजेंटेशन आज थी पेटीएम के ऊपर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. I'm gonna set your place on fire. Let's get higher. Get a little bit of gasoline. Welcome to another crime scene. It's so hot, I'm gonna pay. Your place on fire. Let's get higher.